आप एक बात मान के चलिए, समाजवादी लोग तो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। अभी मैंने अपना काम गिनाया, एक सांस में गिनाया, आपने देखा मैंने तुरंत काम गिनाया, क्योंकि हमने काम किया है तो हमारे काम का ही तो फीता काटा जा रहा है। जब भी समाजवादी बात करते हैं, एक्सप्रेस वे गिनाते हैं, मेट्रो गिनाते हैं, हमने बनाया 1090 बनाया, हम महिला सुरक्षा के लिए हमने बनाया 100 डायल हम गिनाते हैं, हम यहाँ पे एक्सप्रेस वे तो गिनाते गिनाते उसके साथ भी स्टेडियम भी गिनाते हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम हमने बनाया जिसको देखो आप आज गोल्ड मेडल आ रहे हैं और मैच इंडिया में हो पाएंगे। ये समाजवादी भी, हमने रिव्यू फंड बनाया, समाजवादी पेंशन हमने दी, वृद्धा पेंशन दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए, हम तो कैंसर हॉस्पिटल बनाए, लगातार अपना काम गिनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बात करो तो इधर उधर की बातें करने लगेंगी, वो अपना काम भी गिनाएंगे। अगर उनसे कहो मेडिकल कॉलेज कितने बना दिए तो आजकल उन्होंने नया फॉर्मूला लिया, वो सारे जिले का नाम बताने लगते हैं। उनसे कहो कोई वीडियो दिखा दो हॉस्पिटल का जो चलता हुआ वीडियो दिखा दो, आपने तो बोला था एम्स बनाएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 10 एम्स तो छोड़ो एक एम्स बना दिया हो, यहाँ इलाज हो रहा हो तो बता दो। कोविड काल में यहाँ लोग बेचारे बिना हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने से, समय से एम्बुलेंस नहीं मिलने से, वेंटिलेटर नहीं मिलने से उनकी मौत होगी तड़प तड़प के, उसके बारे में आपने क्या किया बताओ? आपने एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ अपने सवाल में, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मुलायम सिंह जी खुद सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, देश के जाने माने राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, कई जिम्मेदार पदों पर रहे, तो राजनीतिक तौर पर तो उनका जिक्र होगा। मैं सीधा ही समझना चाह रहा हूँ, जो शब्द थे शब्द पर आप बिल्कुल विरोध कीजिए, वो खराब लग रहा है सही लग रहा है उस पर आपकी जो राय है आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी तो राजनीतिक जीवन में रहे, उनका जिक्र तो होगा, जो उनके फैसले रहे हो, किसी को ठीक लगते हैं किसी को बुरे लगते हैं, इससे तो आपत्ति नहीं है? किसी ने नहीं बोला कि आप राजनीति के आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हो। अभी आप पे व्यक्तिगत हमला बोलेंगे, हम तो कहेंगे योगी जी ब्यास जी को पढ़िए, भगवान ब्यास को, पढ़ते लिखते तो आप है नहीं, खाली मंच पे आके आए भाई साहब बोलते हैं। मैं योगी से बोला पढ़ा करो, कम से कम रामचरितमानस पढ़िए, आप ब्यास जी को पढ़िए, भगवान ब्यास ने पहले लिखा है कि जो भाषा है वो चरित्र का परिचय देती है। जिस दिन भगवान व्यास को पढ़ लेंगे कम से कम बोलना सीख जाएंगे। तो आप कम से कम हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार को तो मानिए, कम से कम सनातन धर्म को तो मानिए, जिसकी आप बात करते हो वही नहीं मानते। सनातन धर्म तो हमेशा सिखाता है कि आपको दूसरों का सम्मान करना है, हमेशा सिखाता है, लोकतंत्र का परिचय देता है, भाईचारे का परिचय देता है, दूसरे का सम्मान का परिचय देता है, समन्वयता की बात करता है, यही तो हमारा सनातन धर्म है। तो इसका जवाब कैसे देंगे, इसका जवाब कैसे देंगे उसी तरीके से जैसे सवाल उठाया गया, या जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ उसका जवाब कैसे देंगे, बस ये मुझे बता दीजिए जल्दी से, उसी तरीके से जैसे सवाल उठाया गया उसी भाषा में आप लोग भी जवाब देंगे या अपने अपने तरीके से मुद्दों की बात करेंगे? मैंने क्या बताया आपको, तुरंत हमने बताया कि एक्सप्रेस वे बनाया, हमने मेट्रो बनाई, 1090 बनाया, 100 डायल बताया, हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ एक्सप्रेस वे बनाया, समाजवादी पेंशन दी हमने, बेरोजगारी भत्ता दिया हमने, फंड बनाया हमने, स्टेडियम बनाए, तो हम तो अपना काम गिनाते हैं ना, हमारे काम का ही तो नाम हो नंबर। ये सारी बातें तो ये तो आप कई बार कह चुके हैं और ये हम लगातार सुन भी रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।